मटन का कोई पीस वैसा केएफसी क्रिस्पी चाप। सेहत ही असली दौलत है, अच्छा खाओ, अच्छी सेहत पाओ, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाओ। ईटिंग गुड न्यूट्रिशियस फूड इज इम्पोर्टेंट टू मेक हेल्दी फूड चॉइसेस एंड ईट सोया चाप ऑफ ओनली द वेरी बेस्ट चाप, क्योंकि चाप मतलब सिर्फ वीरजी मलाई चाप वाले फ्रॉम गीता कॉलोनी। जिस दुकान पर आपको मेरी तस्वीर लगी हुई दिखेगी, समझ जाओ कि आप सोया खा रहे हो, 100% सोया, नो मैदा, वरना मैदा ही खाते रह जाओगे। Like every time, this time too, we have brought for you the true review of new restaurant VG Malai Chaap Wale। जी हाँ दोस्तों, 19 फरवरी को VG Malai Chaap Wale के ब्रांड एम्बेसडर बिंदु दारा सिंह द्वारा ये ओपनिंग हुई थी। ये वेज खाने वाले के लिए एक हेवन है, जहाँ 200 से अधिक मेनू ऑप्शन के साथ बेहतरीन और अल्टीमेट टेस्ट के साथ आपको मिलेगा अलग अनोखा स्वाद। सबसे पहले बात करें इंटीरियर, अब बात करें आप लोगों के बीच में सोया चाप के बारे में बताना चाहता हूँ। सोया चाप एक दिल्ली एनसीआर का अल्टीमेट डिशेस है, जो बहुत ही फेमस है। मैंने इनके यहाँ इनका सिग्नेचर डिश बेबी डॉल और सनी लियोनी चाप ट्राई किया, जो टेस्ट में लिटरली अल्टीमेट था। इसके अलावा मैंने इनके यहाँ वेज फिश टिक्का, वेज चिकन बिरयानी और मलाई चाप ट्राई किया, और इसका स्वाद इतना अल्टीमेट था कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इनके यहाँ इनका बेबी डॉल और सनी लियोनी चाप जरूर ट्राई करें। आपको एक अलग लेवल का स्वाद देगा, और शहर में ऐसा ऑप्शन आना शहर वासियों के लिए और वेज खाने वालों के लिए वास्तव में एक सौगात है। मैं इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आई रिकमेंड यू मस्ट ट्राई फॉर दिस स्पेशल डिशेस। थैंक यू एवरीवन। आप कैसे हेल्प के लिए बेनिफिशियल है सर बताएंगे, दो लाइन में आप उसको पूरा ब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। ये भाई साहब स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके आए थे कि मुझे सर का होने लगा। मैं भाई वीर जी मलाई चाप का हाजीपुर का इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यहाँ का खाना जरूर टेस्ट करें। हाँ जी सर, क्या खा रहे हैं आप? मैं कुलचा खा रहा हूँ, हमने पाजी बहुत प्यार से बनाया है, और मैं वीजी मलाई चाप हाजीपुर में हूँ, और इंडिया नंबर वन फूड चेन वीजी मलाई चाप के आउटलेट पे अभी हम बैठे हैं, और बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। 5/5 मैं रेटिंग देना चाहूँगा, एंड थैंक यू सो मच टू वीजी मलाई चाप फॉर दिस डिलीवरी। वीर जी मलाई चाप वेज खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने नॉन वेज वाले ये टिक कबाब खाए होंगे, आपको बहुत ज्यादा मैच करेंगे टेस्ट। वीर जी मलाई चाप वाले जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। So guys, we are going to eat malai chaap। आज तो मैं रेसिपी अभी बहुत फेमस है यहाँ पर। कैसे कैसे क्या है यहाँ पे देख देस बेबी डॉल। हाँ ये देख सकते हैं, बहुत फेमस है यहाँ एस मतलब सनी लियोनी चाप रोल। तो अभी हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ये मेन्यू कार्ड है। हाँ हाँ, चिकन जैसा टेस्ट लगेगा, मतलब प्योर सोया का ही सब चीज रहेगा। अच्छा अच्छा, हाफ में रहता है 500 ml, फुल में 750 ml। अच्छा, पीस का टुकड़ा रहता है। कौन सा है राहुल? यही सब बोल रहे हैं, मटन ग्रेवी कल हम क्या खाए थे। मतलब यहाँ का सबसे अच्छा आइटम कौन सा है? मतलब हर आइटम अलग अलग टेस्ट है। अच्छा आइटम खाना है तो बेबी डॉल ट्राई कीजिए, या VFC क्रिस्पी चाप। क्रिस्पी भी अच्छा है ना, VFC वही मंगा ले, क्रिस्पी चाप ले। VFC बेबी डॉल नहीं है,
अच्छा तो वही कहे फर्स्ट टाइम को यही कैसा लगेगा? उडंकी में लगा होता है लेकिन स्टिकी में रहता है। अभी अवेलेबल नहीं है ना, राहुल कुछ और ले ले। देखो ये ड्राई टाइप का होगा समझे, जितना चाप लोगे ना जी सेमी ग्रेवी में। अच्छा ज्यादा तुमको हमको लगा आओगे तो यही खा जाओ टाइप में खाओ। अभी तो हम खाए नगेट। अच्छा अच्छा चिकन नगेट्स हाँ तो अच्छा लगा है। इसका हर चीज अच्छा है, शमी कबाब से लेके मटन टिक्का का मतलब हर चीज आना चिकन ट्राई में। हाँ बेबी डॉल का टेस्ट चाहिए तो VFC क्रिस्पी में टेस्ट होगा वो ले लेते हैं। वही कर दीजिए आप या फुल आप कर दीजिए आप ये कर दे रहे हैं और हांडी चिकन आप क्रिस्पी चाप क्रिस्पी चाप है ना ठीक है वही टेस्ट करके देखते हैं। ये बिंदु धारा से मलाई चाप। सो गाइस अभी वीर जी मलाई चाप के पास है और ये देख सकते हैं एम्बियंस अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी हम लोग ऑर्डर जो ऑर्डर किया है उसका नाम है VFC क्रिस्पी चाप एंड वो अभी आप बन के आ रहा है फिर मैं आपको ओवरव्यू करा रहा हूँ। ये अभी हम लोग आ गए VFC क्रिस्पी चाप देख सकते हैं जी चाप कैसा है राहुल टेस्ट बताओ भाई। ठीक लग रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं वीर जी मलाई चाप और ये हम लोग ऑर्डर किए हैं VFC क्रिस्पी चाप जो कि अभी हम टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। इसके साथ में ये चटनी वगैरह और ये हम लोग ट्राई करके देखते हैं। बढ़िया है को ना नॉन वेज जैसा भी फील आया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना ये जो है ना आपको प्रॉपर वेज मिलेगा मतलब वेज में आपको मिलेगा और ये भी अच्छा भाई चटनी अच्छा है ना इसका जो चटनी है ना ये और भी ज़्यादा टेस्टी है यार। देख सकते हैं कितना जूसी टाइप का है मतलब आपको लग रहा होगा कि कोई हम चिकन या मटन का कोई पीस वैसा खा रहे बट ये प्योर वेज है ठीक है और मतलब खाने में भी बहुत लाजवाब है बहुत टेस्टी है और ना मुँह में रखने में पूरा मेल्ट टाइप हो जा रहा है और भी टेस्ट फ्लेवर बन जा रहा है इसका काफी बढ़िया है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मिरर वगैरह यहाँ साफ है ये बेसिन भी आपको दिख जाएगा यहाँ पे बढ़िया से यहाँ पे सीट वगैरह देख सकते हैं कुशन इतना बढ़िया सीट वगैरह भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे आपको AC मिल जाएगा फैन मिल जाएगा CCTV कैमरा है अंदर किचन वगैरह भी अभी हम लोग अंदर भी चलेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं सब कितने प्रॉपर एंड अच्छे वे में कुकिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 से 8 लोग हैं टोटल जो किचन के अंदर है। किचन नीट एंड क्लीन है प्रॉपर एंड सब अपना जो हेयर ग्लव्स है हैंड ग्लव्स है सब पहने हुए हैं। ये देख के अच्छा लगा अंदर आकर बैठ के आराम से खा सकते हैं। सिंगल 2 लोग आएंगे तो एक वहाँ यहाँ पे ऐसे बैठ सकते हैं। आओ जी आओ बहुत गाना गाना गा रहा है मीठा कर लो मुंह मीठा कर लो आपके हार्ट के लिए अच्छा है कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है हर चीज के लिए अच्छा है मैदा तो है ये नॉन वेज का जो टेस्ट है ना प्योर वेज में हम लोग दे इसमें सर जितने भी आइटम्स है ना सारे के सारे सोया से निर्मित है 100% सोया ठीक है मतलब हाई प्रोटीन होता है जीरो मैदा और 100 ग्राम सोया में 54.5 या 6 ग्राम प्रोटीन होता है ठीक है आपको तो भूल रहे हैं कैमरा सामने की तरफ भुला दें कोई बात नहीं मटन ग्रेवी है लेग पीस ग्रेवी एकदम लेग पीस की तरह कोई नहीं कह सकता है कि चिकन नहीं है ये उठा के दांत जैसे काटिएगा तो चिकन जैसा ही टेस्ट लगेगा। अरे वाह सही है अच्छा अच्छा है ये। उसके बाद बटर चिकन है कढ़ाई चिकन मतलब सारा सोया का ही है ठीक है। इधर जो है बेबी डॉल एकदम लगेगा पूरा चिकन ही खा रहे हैं चिकन ही खा रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे वेज बेबी डॉल। उसके बाद इतने शुरू में पीस चिकन पॉपकॉर्न चिकन पकौड़ा मटन टिक्का शमी कबाब इसका भी टेस्ट यूनिक है ठीक है। चिकन टिक्का फिर VFC क्रिस्पी जो भी ट्राई किए हैं गोल्डन फिश जापानी फिश चिकन नगेट सिंघाड़ा पीस वेज पॉम्प्लेट मतलब हर आइटम का टेस्ट अलग अलग है मतलब नॉन वेज जैसा फील आएगा बट प्योर वेज होगा प्योर वेज होगा हम समझ गए ठीक है।
नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो बोला ट्राई करते हैं, संडे आ सकते हैं कभी, मंगलवार भी, शनिवार का कोई इशू नहीं है, इशू नहीं है। हाँ ये भी बात है, लोग सोचते हैं ना ट्यूसडे नहीं खाएंगे थर्सडे नहीं खाएंगे, तो लोग आके आराम से खा सकते हैं। रोल वगैरह भी है, वो सब भी सभी कबाब, मतलब हर प्रोडक्ट का जो है ना टेस्ट सब अलग 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 है। फिर एक बार मलाई चाप भी ट्राई कीजिएगा, व्हाइट जरूर जरूर, लेकिन लोग आते हैं यहाँ पे मलाई जान के मिठाई का दुकान है, बहुत बहुत लोग आते हैं, मलाई नाम से मिठाई लगता है, लेकिन इतना इसका यूनिक टेस्ट है ना, पूरा नमकीन है या मीठा उस नहीं है, थोड़ा सा मीठा में अफगानी आ जाता है, पंजाबी तीखा में आता है, लेमन चाप तो सारा। ये जो सही है फ्रेंचाइजी वाला और बिंदु दारा सिंह, ये ब्रांड नंबर ब्रांड नंबर ओ पंजाब का ही है, नहीं कॉलोनी दिल्ली, हाँ हाँ दिल्ली की तरफ, उसका 200 से ऊपर आउटलेट है इसका। एक और राजा बाजार में बोला है और एक कंकर बाग में, ये तीसरा है, तीसरा है बिहार, पूरे बिहार में तीसरा है, मतलब एक तरह से दूसरा ही समझिए, क्योंकि बिहार का दूसरा है। सही बात है, अरे बस आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा चल गया तो बढ़िया। आज के लिए बस ब्लॉग में इतना था, मैं प्रॉपर एक वीडियो और छोटा सा क्लिप किया हूँ, ये भी मलाई चाप के पास, ठीक है, जो कि आपको आदित्य विजन है हाजीपुर में, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आप आगे बढ़ोगे एंड तो यहाँ पी क्रिस्पी चाप को हम लोग ट्राई किए थे, बहुत मतलब टेस्ट वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब आपको फील नहीं आया कि आपको प्योर वेज चाप खा रहे हो, वहाँ पे आपको फील आएगा कि आप कोई नॉन वेज खा रहे हो, तो आप नॉन वेज फील करके वेज का वहाँ पे मज़ा ले सकते हो। आज के लिए बस ब्लॉग में इतना था, सो गाइस फाइनली हम लोग खा कर निकल गए, तो ये आपको एंट्री गेट है और एग्जिट भी यहाँ से आप कर सकते हैं, ये आपको गेट इधर भी मिल जाएगा, आपको करने के लिए आपको डायरेक्ट आदित्य भी जाना है हाजीपुर, वहाँ पे आना है, सामने आपको गेट दिख जाएगा, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट। लोकेशन बता दे तो यहाँ पे वीर जी मलाई चाप वेलकम लिखा हुआ है यहाँ पे सामने, 100% प्योर सोया वेज है, मतलब आपको फील आएगा नॉन वेज जैसा बट प्योर वेज होगा, उसमें हाईली प्रोटीन वगैरह होता है। इम्पोर्टेंट सिम नरेश है यहाँ पे, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसका एंट्री मैं दिखा देता हूँ, वैसे आप सामने आपको आदित्य विजन दिख जाएगा, यहाँ पे आओगे तो वीर जी मलाई चाप का बोर्ड लगा रहेगा, सामने भी आपको बोर्ड दिख रहा होगा, वीर जी मलाई चाप है जो कि इसका बिहार में है, तीसरा आउटलेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी हम लोग गए थे। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोस, आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आया होगा, हम सब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार इंडिया ब्लॉग, टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेंडर अखबार में वीडियोज को देखते रहिएगा, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना एंड अपने पूरे फैमिली का बहुत ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।